ये सर पर बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि सरकार काफी ज्यादा फैसले ले चुकी है खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि बाजार में ज्यादा कुछ ज्यादा नरमी देखने को नहीं मिली है, नरमी देखने को मिली है लेकिन हल्की फुल्की 5 से 7 रुपए तक की, लेकिन कंज्यूमर अभी भी महंगा तेल ही खरीद रहा है। और देखने की पेट्रोल डीजल के भी जो प्राइसेस हैं उनमें भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकार के फैसले कहीं ना कहीं कुछ नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दिवाली तक और दिवाली के बाद खाद्य तेलों में कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए वैसे तो देखा जाए तो फिजिकल मार्केट के अंदर अभी भी बाजारों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। सरसों तेल की अगर हम बात करें तो उसमें उछाल है, और अभी ओवरऑल देखिए ट्रेंड की देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है तेजी। सोयाबीन आप देखिए 10,000 के बाद अब 5,000 के घरों में, और मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी देखिए जो रेंज है सोयाबीन की वो 5,500 तक ऊपर की देखने को मिल सकती है, नीचे में 5,000, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर वो मुझे लगता है 4,800-5,000 के बीच में बाजार रुकते हुए दिखाई देंगे सोयाबीन के। वहीं अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,200 के नीचे लुढ़क सकता है, और सरसों में भी कोई बहुत ज्यादा भी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। त्योहारी सीजन के चलते थोड़ा सा बाजार जो है वो रुका हुआ है, और ऊपरी स्तरों पर जो ये लेवल्स हैं इसी के आसपास कायम है, और मुझे लगता है कि आगे दिवाली के बाद जो है इसके अंदर गिरावट बढ़ सकती है। जी